बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट से ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया और ये फैसला उस टाइम आया है जब एक तरफ आईनी तरमीम की बात की जा रही है तो दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और इसके अलावा हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट से जाकर उन्होंने जाकर ये रहनमाई करने की उन्होंने कहा था, उन्होंने इस्तदा की थी कि सुप्रीम कोर्ट हमारी रहनमाई करे कि जो नया कानून बना है उसके बाद तहरीक इंसाफ को मखसूस शिस्तें किस तरह प्रोवाइड की जाएं। तो आज एक छोटा सा फैसला जो है वो जारी हुआ है, जो कि उर्दू में फैसला जारी हुआ है। मैं आपको आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में वो फैसला शेयर करूंगा, लेकिन तसरा की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ अगर नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली न्यूज अपडेट्स हैं आप उनको जान सकें। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट मुलाहजा कर सकते हैं और आपके साथ मैं फैसला शेयर करना चाहूंगा कि जजिस जो हैं वो मुत्तफिक हैं कि तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन की कोताहियों और रिटर्निंग अफसर की कोताहियों की वजह से अभी तक मखसूस नशिस्तें जो हैं वो नहीं मिल सकी। जजिस जो हैं वो मुत्तफिक हैं कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए और उन्होंने ये जो नोटिस है वो हुकूमत को जारी कर दिया है और ये नोटिस पहले भी जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और हुकूमत को कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें प्रोवाइड की जाएं। तहरीक इंसाफ की इस फैसले के बाद, इस छोटे फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की बड़ी जीत हुई है और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान, कभी इम्कान जो है वो पैदा हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। फ़ाज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।